कांग्रेस नेता अरुण यादव फिर एक बार अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि सियासी जानकार इसे मिशन 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। उधर जबकि बीजेपी का कहना है कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब अरुण यादव समर्थकों का कहना है कि इससे उनको फायदा होगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं दिए जाने और कांग्रेस की करारी हार के बाद खंडवा बुरहानपुर में तैनात अरुण यादव के समर्थक जिलाध्यक्षों को पार्टी आलाकमान ने हटा दिया था। इस कार्यवाही से नाराज अरुण यादव हाशिए पर चले गए थे, लेकिन हाल ही में अरुण यादव खंडवा बुरहानपुर में एकदम सक्रिय हो गए हैं। अरुण यादव कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही 10 मिनट के लिए ही सही कार्यक्रम में शामिल जरूर हो रहे हैं। सियासी जानकार वरिष्ठ पत्रकार मुकेश पूर्वे के अनुसार अरुण यादव का निमाड़ मालवा और महाकौशल में सक्रिय होना ये कांग्रेस की गहरी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसको आने वाले दिनों में कांग्रेस को लाभ मिलेगा। लगता है कि अरुण यादव जी की जो सक्रियता यहाँ बड़ी है, पिछली बार टिकट उन्होंने उनको नहीं मिला, कहीं उनकी भी थी कि उपचुनाव लड़के मैं क्या कर लूंगा, कहीं ऊपर से भी था इसलिए टिकट उनको नहीं मिला। और उन्होंने राजनारायण सिंह जी पुराने विधायक पुरानी नरेश को दिया, तो इनकी अब सक्रियता इसलिए बड़ी कि उनको जवाबदारी दी गई है कि कहीं ना कहीं आप अपना मध्य निमाड़ और मालवा को तो दे गई, साथ में ग्वालियर और भुंडे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता बनाड़ा करके और युवा चेहरा होने से जो कांग्रेस को बेसिक नुकसान 2018 की सरकार को हुआ था, सरकार गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण, तो सिंधिया जी के क्षेत्र में वो इनको कमान संभाल देख सौंप करके और एक आक्रामक भूमिका में उनके खिलाफ भूमिका बनाना चाहते हैं, एक रणक्षेत्र बनाना चाहते हैं ताकि अभी से कांग्रेस डिफेंस के बदले अटैक के मोड में खेले। और मुझे लगता है कि आने वाले 23-24 के चुनाव को लेकर के अरुण यादव जी की निमाड़ महाकौशल के अंदर जो सक्रियता है वो इसलिए है कि वह हर सामाजिक राजनीतिक शादी विवाह समारोह या किसी के गमी का भी कार्यक्रम हो तो वहाँ भी वो बैठने जा रहे हैं और अपनी लगातार सक्रिय उपस्थिति बनाए हुए हैं। बीजेपी की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 या कोई और कांग्रेस की रणनीतिक फैसले के तहत अरुण यादव एकदम अपने क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं। बीजेपी नेता बलराज नवानी ने कहा, अरुण यादव की सक्रियता के क्या मायने हैं, इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 हो सकता है उनकी नज़रों में उस चुनाव की दृष्टि से सक्रियता बनाई हो, या फिर कांग्रेस के अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं प्रादेशिक स्तर पर, कुछ राजनीतिक समीकरणों के तहत प्रदेश में भी कुछ दौरे उन्होंने किए हैं और खंडवा जिले में तो सक्रियता खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ी है। क्या मतलब कारण, ये उनके राजनीतिक कारण कांग्रेस की दृष्टि से वही तय कर सकते हैं, किंतु भाजपा के लिए उनकी सक्रियता का कोई विशेष मायना नहीं रखता। अरुण यादव के खासम खास माने जाने वाले कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने अरुण यादव के अचानक सक्रिय होने की बात से इनकार करते हुए कहा, अरुण यादव काफी समय से क्षेत्र में इसी तरह सक्रिय रहे हैं, 4.5 साल PCC अध्यक्ष रहे, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। अब इसी तर्ज पर सक्रिय रहकर मिशन 2023 विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। सक्रिय तो लगातार बने हुए ही थे और उनकी सक्रियता ही आज जो 4.5 साल का उनका कार्यकाल रहा था, जो जिस प्रकार से सक्रिय रहकर जो गांव-गांव तक जो कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा था और जो हिम्मत दी थी, वही काम फिर से वो कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने का काम, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से कांग्रेसियों पर कार्यकर्ताओं पर आतंक मचा रही है, जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ कर रही है, तो इस प्रकार इसलिए हमारे नेता ने सब दूर जाकर हिम्मत बनाने काम और कार्यकर्ताओं लड़ने काम शुरू किया है।
और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के पास झूठ के सिवाय, सांप्रदायिकता के सिवाय कुछ नहीं है। हमारा नेता अरुण यादव आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पीड़ित निर्धन की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ने से भाजपाइयों के हौसले पस्त हुए हैं और इस प्रकार से वो निमाड़ और मालवा में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं, ये उसी का परिणाम दिखता है कि भाजपाई खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। क्या लगता है अरुण यादव जी की सक्रियता से 23 से 24 में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से 4.5 साल का संघर्ष अरुण यादव जी का 2018 में सरकार बनाई थी और अभी का संघर्ष 2023-24 में कांग्रेस सरकार बनाएगी।